नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर। वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सुंदर कांड के बारे में। मैंने जैसा कमिटमेंट करा था कि सुंदर कांड के ऊपर मैं वीडियो लाऊंगा, और ये एक ऐसा पार्ट है, ये एक इस तरह का पार्ट है कि आपकी कोई भी एक विश आप इससे पूरी कर सकते हो, पर इसके पीछे एक नियम है। वो नियम को फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं जो कि सुंदर कांड का पाठ करते हैं, लेकिन उनको एक्चुअली में ना वो जो जिस तरीके से करते हैं, जो नियम का अप्लाई करते हैं, वो तरीका सही होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप अगर रास्ते पे जा रहे हो लेकिन आपको चलना ही नहीं आ रहा है, तो गिर जाओगे, पड़ जाओगे, मुंह पे लग जाएगी, चोट लगेगी। गाइज, सुंदरकांड ये हनुमान जी का पूजा है। हनुमान जी सारे भगवानों में सबसे जल्दी मानने वाले भगवान हैं, सबसे जल्दी खुश हो जाने वाले भगवान हैं, सबसे जल्दी आपके विश को पूरी कर देने वाले ये भगवान हैं। ये ऐसे भगवान माने जाते हैं। सुंदर कांड की जो पूरी की पूरी पाठ है, ये आप किसी एक स्पेसिफिक विश के लिए भी कर सकते हो, अपने वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए भी कर सकते हो, अपने एनर्जी को प्योर करने के लिए भी कर सकते हो, अपने अंदर एक अच्छे ऊर्जा को क्रिएट करने के लिए भी कर सकते हो। आप बहुत ज्यादा नेगेटिव रहते हो, बहुत नेगेटिव थॉट्स रहते हैं आपके दिमाग में, आप दिन भर नेगेटिव थिंकिंग करते हो, आपको पता है कि आपकी जो ऑरा है वो गड़बड़ हो गई है किसी ना किसी कारण से, ये उसको प्योर कर देगा, ये इसको पूरी तरह से साफ कर देगा। इतना पावरफुल सुंदर कांड में है। सबसे पहले आपको यह जानने की जरूरत है कि ये जो सुंदर कांड है, ये स्पेशली हम लोग हनुमान जी को खुश करने के लिए, कुछ एनर्जीज को, उनके एनर्जीज को अपने तक पहुंचाने के लिए करते हैं। अब ये काम कैसे करता है, जब आप सुंदर कांड का पाठ करोगे, ध्यान से सुनो, जब भी आप सुंदर कांड का पाठ करोगे तो जो पाठ, जो लाइंस हैं, जो लाइंस आप पढ़ते हो, जो लाइंस उसमें लिखी गई हैं, उनको जैसे ही आप पढ़ोगे, पढ़ना कैसे है, मन में नहीं पढ़ना है, आपको मुंह से बोलना है, शब्द बाहर आने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नियम मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। आपकी भी अगर वो विश है कि वो आपके पास आके हाथ जोड़ के बोले आई लव यू, पूरी हो जाएगी। आप बहुत परेशान हो, आपके चेहरे की चमक चली गई है, वो भी वापस आ जाएगी। आपकी जॉब नहीं लग रही है, ये भी पूरी हो जाएगी। कोई भी विश, नियम जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या है ना गाइस, कि जो आप पढ़ोगे, उस जो लाइंस है आप मुंह से बोलोगे, आपके कान में वो सुनाई देगी। जब आप लाइंस को बोलोगे तो उसमें वो डेडिकेशन पावर होना चाहिए, इमोशन होना चाहिए जो लाइन पढ़ रहे हो। अगर वो इमोशन कहां से आएगा भैया, हमको संस्कृत समझ में नहीं आती, तो आप उसकी हिंदी भी कहीं से पढ़ लो, नेट पे देख लो, सुंदरकांड हिंदी, इन हिंदी जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लाइन का मतलब क्या है, तो आपका इमोशन बराबर लग पाएगा। ये कोई नहीं बताएगा, ये मैं बता रहा हूं, तो इसलिए लाइक तो कर दो गाइस। जब सुंदरकांड का पाठ आप करोगे, जब मुंह से बोलोगे, वो आपके कान में जाना चाहिए, तो जो वाइब्रेशन आप क्रिएट करोगे ना, जो वाइब्रेशन, जो एनर्जीज आप क्रिएट करोगे अपने साउंड के फॉर्म में, वो साउंड के फॉर्म में आपके अंदर जाके आपके खुद के गलत एनर्जीज को, निगेटिव एनर्जी को, निगेटिव थिंकिंग को खत्म करेगा, उसको ट्रांसफॉर्म करेगा पॉजिटिव में। आप देखोगे कि मात्र दो दिन के सुंदरकांड के पाठ से आप अच्छा सोचने लग गए। कल तक आप डिप्रेशन में थे, कल तक सिर्फ यही सोचते थे वो वापस आएगा नहीं आएगा, मेरी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, मेरी हेल्थ इश्यूज ठीक होगी नहीं होगी, लेकिन इसको करने के बाद ऑटोमेटिक वो सारे थॉट्स निकल जाएंगे। बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी, मेरी ही होगी, उन लोग से मैं अलग हूं क्या, वो वापस क्यों नहीं आएगा, मैं कुछ गलत किया हूं क्या या गलत कर रही हूं क्या, वो बिल्कुल आएगा। जैसे ही आपके थॉट्स में परिवर्तन होंगे तो पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव मिलेगा, सिंपल तो यही फंडा है। तो गाइस वेरी इंपॉर्टेंट, अब इसको करना कैसे है, देखो अगर आप किसी एक स्पेसिफिक विश को पूरी करने के लिए सुंदरकांड पढ़ना चाहते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि या तो ये सुंदरकांड का पाठ मंगलवार को शुरू किया जाए, नहीं तो फिर शनिवार को शुरू किया जाए, और किसी दिन नहीं। अगर किसी एक स्पेसिफिक विश के लिए आप कर रहे हो तो सुबह 12 बजे से पहले आपको यह पाठ कर लेना है। 11 बार करो तो हम, मैं लिख के देता हूं कि आपके 11 शनिवार पूरा होने से पहले आपकी विश कितनी भी खतरनाक हो वो पूरी हो जाएगी, लिख देता हूं, रख लो। सुन ए चंपावती, ऐसा है ना जो कह रहा हूं, ध्यान से सुनो, नजरें भटका रहे हो इधर उधर, हद है यार, शर्म हया है या नहीं है, सुन लो, प्यार से बता रहा हूं, बड़ी आई बालों को उड़ाने वाली। गाइस मंगलवार या शनिवार
को ही आपको यह करना है। अगर स्पेसिफिक विश है, अगर नॉर्मल कुछ है कि मुझे अपने एनर्जीज को हील करना है, मुझे अपने नेगेटिव थिंकिंग को ठीक करना है, मुझे अपने घर में खुशहाली चाहिए, अपने परिवार में खुशहाली चाहिए, मुझे बस अच्छा फील करना है, मुझे हाई वाइब्रेशन में रहना है, तब आप कभी भी इसको शुरू कर सकते हो। और वो भी 11 बार पाठ करें डेली सुबह में, 12 बजे के पहले, 12 बजे के बाद नहीं, शाम को नहीं करना है, शाम को मत करो। आपको करना है तो 12 बजे के पहले ही करना है, और 11 बार, एक बार भी कर सकते हो अगर कैपेबल नहीं हो, 11 बार करोगे 100% मिलना ही है, बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। नियम कानून, आपके सामने हनुमान जी की एक मूर्ति होनी ही चाहिए, फोटो भी चलेगी, उसके बगल में राम और सीता, सीता राम की भी मूर्ति या फोटो होनी ही चाहिए। सबसे पहले आप गणेश भगवान की पूजा करेंगे, ओम गणपते नमः, जो भी जिस तरीके से अगरबत्ती दिखाते हो, दिया दिखाते हो, व्हाटएवर यू डू, पहले गणेश भगवान की आप पूजा करोगे, मन में भाव लोगे, उसके बाद आप ये सुंदर कांड का पाठ करना शुरू करोगे। 11 बार पढ़ लिया, उसके बाद आराम से सामने एक ग्लास में पानी रखो, उस पानी में जब पढ़ लिया, पानी को ऐसे थोड़ा थोड़ा छीट लो, बाकी पानी को पी जाओ, उसके बाद चले जाओ अपने काम पे। जो विश है ना वो पूरी नहीं हुई ना, मेरे नाम पे कुत्ता पाल लो, मुझे मंजूर होगा। इतना पावरफुल मंत्र है, मतलब इसकी जो वाइब्रेशन है ना, ये जो वाइब्रेशन क्रिएट करता है, जो आपके अंदर एक एनर्जी को क्रिएट करता है, वो एनर्जी आपके एक एक सेल में जाके उसकी निगेटिविटी को खत्म करता है, इरेज करता है। आपके अंदर एक नई एनर्जी आती है, नया पावर आता है, कॉन्फिडेंस लेवल 100% बढ़ जाएगा, विल पावर 100% बढ़ जाएगा। आप जो भी काम करते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, जो भी करते हो अपने लाइफ में, वो सक्सेसफुल होना शुरू हो जाएगा। डजेंट मैटर कि आपका ग्रह नक्षत्र कैसा चल रहा है, ये पढ़ने शुरू मात्र करने से आपके सारे बिगड़े हुए काम शुरू हो जाएंगे। सबको करना चाहिए, डजेंट मैटर। पीरियड में आप इसको फोन में लगा के यूट्यूब पे सुन सकते हो, बस उस टाइम पे छोड़ दो, मत करो, बस फोन में लगा के सुन लो। ये मैंने पहले ही बता दिया। कितने दिन करूं सर इसको? कम से कम 21 शनिवार तक तो करो ही करो। जब आपकी 21 शनिवार कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें मंगल भी इंक्लूड है, तो ये बेस्ट है। हर दिन करना है, शुरू बस आपको शनि मंगल को करना है, अगर आपकी स्पेसिफिक विश हो तो। लेकिन आपने शनि को शुरू किया तो संडे मंडे ट्यूजडे अब ये कंटिन्यू रहेगा, तो ये आपको हमेशा करना है। किसी भी एज ग्रुप के लोग कर सकते हैं, किसी भी चीज के लिए कर सकते हैं, यार इससे बड़ा ब्रह्मास्त्र मैंने नहीं देखा। बस शुरू करो, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि लाइफ अमेजिंग वीडियोस आपको यहीं पे मिलती है, साइंटिफिकली एंड लॉजिकली। आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई लेट मिलेगा लेकिन मिलेगा जरूर। फॉर इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन कोर्सेज और सेशन के लिए आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, सागर द मोटिवेटर के नाम से आईडी है। टेक केयर, गॉड ब्लेस, बजरंग बली की जय। लेट्स टॉक।